और उसमें तमाम विपक्षी दल और तमाम सामाजिक संगठन के लोगों ने जो लोकतंत्र विश्वास करते हैं उन लोगों की जो गठजोड़ आंदोलन हुई उस आंदोलन का परिणाम है कि हिटलर को झुकना पड़ा, तानाशाह को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा करने का काम किया है कि पार्लियामेंट में हम तीनों कृषि कानून जो काले कानून है उसको हम वापस लेने का काम। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि तीनों कृषि काला कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया। हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक हैं। तीनों कृषि काला कानूनों को वापस ले लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों की जो शहादत और किसान आंदोलन और किसान नेता और किसान लोग ने जो आंदोलन कर रहे थे और उसमें तमाम विपक्षी दल और तमाम सामाजिक संगठन के लोगों ने जो लोकतंत्र विश्वास करते हैं उन लोगों की जो गठजोड़ आंदोलन हुई उस आंदोलन का परिणाम है कि हिटलर को झुकना पड़ा, तानाशाह को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा करने का काम किया है कि पार्लियामेंट में हम तीनों कृषि कानून जो काले कानून हैं उसको हम वापस लेने का काम करेंगे। ये बहुत ही धन्यवाद है, आभार है और इसके लिए तमाम किसानों को हम शुभकामना देना चाहते हैं। लेकिन हमारी असली खुशी तब होगी जिस दिन पार्लियामेंट में आएगी। आज घोषणा हुआ है, इसका इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट में होगा और लेकिन इसके साथ साथ MSP पर भी कानून बने, बिजली कानून जो आया उसको भी वापस लेने का काम करें, ये हमारी दोनों मांग है। इसके साथ ही तभी किसानों के शहादत का सही रूप से उनके प्रति नमन होगा। एक बात है, एक सवाल है कि क्या कई इस तरह से कहे जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी लग रहा है क्या इसमें? पॉलिटिकल एजेंडा क्या है इसमें? ये तो देश के किसानों का एजेंडा है, देश का एजेंडा है, देश के लोगों का एजेंडा है। जो किसान अपनी पूरा मेहनत करके खून पसीना लगा करके उत्पादन करता है उसके उत्पादन को आप बड़े लोगों के हाथ में गिरवी रख देने का काम किए और इस बात की समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने फैसले को ही वापस लेने का काम किया है, ये अच्छी बात है। अच्छा, UP में चुनाव है, कई जगहों पर चुनाव है और इसी वक्त इस कानून को वापस लिया गया। आज गुरु नानक जी की भी जयंती है और वो राजनीति करें, लेकिन राजनीति वो करना चाहते हैं, करते हैं और किए भी हैं, मैं इसको राजनीति भी उनकी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जो आंदोलन था उस आंदोलन की आज जीत होने का काम किया गया। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ श्याम रजक थे जो कि RJD के वरिष्ठ नेता है। जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे बॉर्डर पर और कई बार जो है वो दिल्ली के बॉर्डर को इन तमाम बातों को लेकर सील भी किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी कृषि के कानूनों को लेकर जो है बयान दिया था कि सरकार जो भी केंद्र सरकार देखेगी जो सही लगेगा उसमें करेगी। अंतोगत्वा केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। अब देखने वाला बात ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे तो वो अब अपने अपने घर को, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी चुनाव है और कई जगहों पर चुनाव है तो इस वक्त कानून को वापस लिया गया है, इसको लेकर भी जो बवाल है वो शुरू हो गया। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।